Are you too curious about the future of Bitcoin and the other cryptocurrencies? Well, meet. अब जैसा कि हम जानते हैं पिछले कुछ समय से जो है cryptocurrency बहुत सारी ऐसी cryptocurrencies और Bitcoin का price जो है fluctuate हो जा रहा था, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है. बट हाल ही में आपने जो न्यूज सुनी है कि Bitcoin ने अपना ऑल टाइम हाई रीच किया ट्रेड्स में. अगर नहीं सुनी ना तो इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. बट अभी बात सुनो, जो बिटकॉइन है उसने हाल ही में जो है अपना ऑल टाइम हाई रीच किया ट्रेड्स में, यानी कि बिटकॉइन नेटवर्क पर जो है यूसेज बढ़ रही है लोगों की. और जहां पर नॉर्मल उसमें बताया कि 23 BTC फीस हुआ करती थी बिटकॉइन नेटवर्क पर ट्रांजेक्शन की, वो मिलियन डॉलर्स में जो है कमाई गई है. सो दिस इज अ ग्रेट न्यूज फॉर द बिटकॉइन लवर्स एंड द क्रिप्टो वर्ल्ड. तो हाल ही में जो है कई सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने अपनी अपनी प्रेडिक्शन करी है कि क्या जो है बिटकॉइन का प्राइस जो है आने वाले समय में होने वाला है. तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर क्या बिटकॉइन का प्राइस होने वाला है या फिर अदर क्रिप्टोकरेंसी मार्केट की क्या हालत रहने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि हम एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और सारी प्रेडिक्शन को जो है जिन जिसने जो भी प्रेडिक्ट किया उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं अब वीडियो की. सबसे पहली प्रेडिक्शन जो है वो है जॉफ केंड्रिक की, जो कि हेड है क्रिप्टो रिसर्च के एट स्टैंडर्ड चार्टर्ड. अब ये प्रेडिक्शन हम ये बोलते हैं कि हमें तो भाई ऐसा लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस जो है वो बहुत जल्दी इंक्रीज होने वाला है, यानी कि उसका प्राइस जो है 2024 के एंड तक 100,000 USD तक पहुंच जाएगा. ऐसा वो अपनी प्रेडिक्शन में बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है. साथ ही वो ये बोलते हैं कि इसके ऊपर बहुत सारे मतलब कि इस पोटेंशियल बिटकॉइन की ये इस प्राइस तक पहुंचने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, जिसमें से उन्होंने बताया कि जैसे कि सेंट्रल बैंक की पॉलिसी का टाइटन होना, साथ के साथ फेडरल रिजर्व की इंटरेस्ट रेट का हाइक होना, और जैसे बहुत जल्दी ही 2024 तक जो है क्वार्टरली हैपनिंग होने वाली है. तो इन सबको ध्यान रखते हुए उन्होंने ये पॉसिबिलिटीज को देखते हुए बोला है. और साथ साथ उन्होंने बोला है कि जो ये क्रिप्टो विंटर था शायद वो खत्म हो चुका है, उसका एंड आ गया है. सो ये थी प्रेडिक्शन जॉफ केंड्रिक की तरफ से. आइए अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट प्रेडिक्शन की ओर. नेक्स्ट प्रेडिक्शन है हमारी एरिक चेन, जो कि CEO है इंजेक्टिव लैब्स के. अब वो जो है थोड़ा सा कंसर्न दिखाते हुए बोलते हैं कि जिस तरह से क्रिप्टो मार्केट पर वैसे जो ये अभी बैंक्स वगैरह हुआ है इसका कोई इम्पैक्ट ज्यादा नहीं पड़ेगा, कि जैसे कि कई लोगों को ये डर था कि जैसे कि बैंक्स कोलैप्स हो रहे हैं ये सब हो रहा है, तो इसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ना आए. तो उन्होंने ये बोला है कि क्रिप्टो मार्केट इज अनलाइकली टू सी अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, यानी कि कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं दिखने को मिलेगा क्रिप्टो मार्केट में. जब फर्स्ट रिपब्लिक बैंक और फोर्थ US बैंक जो है कोलैप्स हो गए, यानी कि शट डाउन हो गए. हालांकि उन्होंने बताया कि मोर ज्यादा कंसर्न इस पे आता है कि जो US रेगुलेटरी है क्या वो जो है हॉस्टाइल कर पाएगी क्रिप्टो करेंसी को. तो लेट्स सी, ये जो है उनकी तरफ से प्रेडिक्शन थी. अब बढ़ते हैं हमारी इसके अलावा नेक्स्ट प्रेडिक्शन की ओर, जो की गई है डैन राजू के द्वारा, जो की CEO है ट्रेडिया के, फिनटेक के और ब्रोकरेज फर्म के. अब ये बताते हैं कि जिस तरह से जो मार्केट में जो है अफवाहें उड़ रही है, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो कि उनको पेन कर दिया गया है, वो डर रहे हैं, तो आपको जो है ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए. हालांकि जो ये बैंक्स शट डाउन हुए, कोलैप्स हुए, इसका क्रिप्टोकरेंसी के ऊपर एक अच्छा ही इम्पैक्ट पड़ रहा है, और इन फैक्टर्स से जो है वो बिटकॉइन को पुश कर रहे हैं हाइट्स की ओर, ऐसा उनका कहना है इसी प्रेडिक्शन में. और साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो ढूंढ रहे हैं प्रोटेक्शंस वॉलेटिलिटी से, यानी कि वॉलेटाइल मार्केट से कंडीशंस को देखते हुए. और जैसे कि हम जानते हैं हमारे एसेट्स जैसे गोल्ड जो होगी वो सेफ गार्ड है, यानी कि वो एक हम सेफ एसेट्स मानते हैं, इसी तरह उन्हें जो है अपनी सेफ इन्वेस्टमेंट जो है क्रिप्टो एसेट्स में भी करनी चाहिए. और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्हें अपना जो इंटरेस्ट है वो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज की ओर कंटिन्यू रखना चाहिए और हाई रखना चाहिए. नेक्स्ट प्रेडिक्शन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है मैट्रिक्स स्पॉट ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस की ओर. और वो कहते हैं कि हमें तो ऐसा लगता है कि जो बिटकॉइन का प्राइस है बहुत जल्दी डबल ही होने वाला है, और वो रीच कर जाएगा अराउंड $65,623 के अराउंड अप्रैल तक. और या फिर वो तो ये कहते हैं कि हाफनिंग तक तो उसका प्राइस जो है वो डबल तक और काफी हाई जो है रीच कर चुका होगा. नेक्स्ट रॉबर्ट जो हमारे ऑथर है रिच डैड पुअर डैड के, वो एक ट्वीट में बोलते हैं कि आई एम एन इन्वेस्टर नॉट अ ट्रेडर, यानी कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ ट्रेडर नहीं, और मैं जो है गोल्ड बिटकॉइन और सिल्वर को एक रियल इन्वेस्टमेंट मानता हूँ. मैं कैश में बिलीव नहीं रखता हूँ, कैश को मैं ट्रैश यानी कि कचरे की तरह मानता हूँ, ऐसा वो जो है एक एडवाइस देते हुए अपने ट्वीट में ट्वीट करते हुए नजर आए. तो ये थी कुछ प्रेडिक्शंस और हमारी हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर्स एनालिटिक और एक्सपर्ट्स की ओर से. सो लेट्स सी बिटकॉइन के बारे में जो अभी प्रेडिक्शंस की जा रही हैं कि शायद उसका प्राइस जो है 2024 तक काफी राइज हो जाए, और जैसे कि हम जानते भी हैं कि बिटकॉइन हैपनिंग भी है जो बहुत ही जल्द होने वाली है. सो लेट्स सी उसका आउटकम क्या रहता है, एंड आई वांट टू नो
नो योर व्यूज ऑल्सो. आपको क्या लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस जो है बहुत जल्दी हाई होगा या फिर लो भी हो सकता है, और जो ये जैसे बैंक्स जो हैं, बहुत सारे बैंक्स जो है क्लोज हो गए, शट डाउन हो गए, इसका इम्पैक्ट जो है क्रिप्टो मार्केट या फिर बिटकॉइन पर पड़ा है या नहीं पड़ा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. बाकी हम ऐसी खबरें और न्यूज आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.